हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें झटपट खाना को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे कोई भी लेटेस्ट रेसिपीज आपसे मिस ना हो एंड इट्स टोटली फ्री। तो दोस्तों आज जो रेसिपी मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है पालक गोश्त। आज की हमारी पालक गोश्त की रेसिपी एकदम फुल प्रूफ रेसिपी है, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। पालक गोश्त एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है क्योंकि इसमें पालक है और पालक न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स में बहुत रिच होता है। तो आज जो हम ये रेसिपी बनाएंगे ये हेल्थ वाइज और टेस्ट वाइज दोनों ही बहुत अच्छी है। तो चलिए झटपट देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हमें लगेगा 3 टेबलस्पून ऑयल, कुछ खड़े मसाले लगेंगे, 4 प्याज लिए मैंने जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, 2 हरी मिर्ची है जिसे मैंने वर्टिकल स्लिट कर लिया है, 2 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 500 ग्राम्स मटन लिया है मैंने, कुछ पाउडर स्पाइसेस लगेंगे हमें, 1 कप दही लिया है मैंने और यह है 1 बंच पालक, पालक की 1 गड्डी जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी लगेगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे हम लोग कुकर में बनाने वाले हैं, तो कुकर में हम लोग ऐड कर देंगे ऑयल और अब तेल को हम लोग गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे होल स्पाइसेस। होल स्पाइसेस में यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग और 2 छोटी इलायची। अब इसे हम लोग कुकर में ऐड कर देंगे और इन खड़े मसालों को हम लोग जब तक फ्राई करेंगे जब तक इनकी अच्छी खुशबू आना नहीं शुरू हो जाती। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे प्याज। प्याज ऐड करते वक्त आप उसे इस तरह से हाथों से खोल के ऐड करें। और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हम लोग अब जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये सॉफ्ट और ब्राउन नहीं हो जाती। तो प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम लोग अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक ये पूरा ड्राई नहीं हो जाता और इसकी जो रॉ स्मेल है वो नहीं चली जाती। तो अभी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी मटन। मटन को मैंने अच्छे से क्लीन करके 2 से 3 बार वॉश कर लिया है और अब हम लोग इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे जब तक ये मटन का कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पे मैंने लिए कुछ पाउडर स्पाइसेस, ये है 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और नमक हम लोग स्वाद अनुसार लेंगे। तो मटन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, तो देख सकते इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे सारे पाउडर स्पाइसेस। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम लोग और इसे अब हम लोग 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे हाई फ्लेम पे। तो सभी मसालों को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है, अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे दही, ये 1 कप दही है और घर का जमा हुआ दही है।
और अब हम लोग इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और इसे हम लोग जब तक भूनेंगे जब तक दही पूरा ड्राई नहीं हो जाता है। कोई भी डिश को परफेक्टली बनाने के लिए सभी मसालों को अच्छी तरीके से भूनना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये पूरी तरीके से ड्राई हो गया है। दही का जो भी पानी था उसको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक गड्डी पालक की, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। पालक को चॉप करने से पहले मैंने 2 से 3 बार उसे अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि पालक में अक्सर मिट्टी होती है, तो इसे अच्छे से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पालक को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसे हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पालक को मिक्स करके भी हम लोग इसे हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। और अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 1 से 1.5 कप के करीब पानी। पानी आप लोग इसमें अपने हिसाब से ऐड करें, जिस तरह की आपको इस करी की कंसिस्टेंसी चाहिए उतना आप इसमें पानी ऐड करें। अगर आप इसे ड्राई बनाना चाहते हैं, सूखा बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें कम पानी ऐड करें। अगर आपको इसमें थोड़ी करी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करें। मैं इसमें और थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी करी चाहिए। और अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और अब कुकर का ढक्कन लगा के हम लोग इसका 1 प्रेशर लेंगे हाई फ्लेम पे और 4 से 5 प्रेशर लेंगे लो फ्लेम पे, जिसके लिए तकरीबन 25 मिनट लगेंगे। 25 मिनट हो चुके हैं और कुकर का प्रेशर मैंने अपने आप रिलीज होने दिया है। अब हम लोग इसे खोल लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑयल कितनी अच्छी तरीके से सेपरेट होके सरफेस पे आ गया है। अब एक बार हम लोग मटन को चेक कर लेंगे वो ठीक से पका है कि नहीं। मटन बिल्कुल गल के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इसे मैंने हल्का सा रोस्ट करके हाथों से क्रश कर लिया था ऐड करने के पहले। अब इसे अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे और इसे हम लोग 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं और अब हमारी पालक गोश्त करी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। इसे हम लोग सर्व कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, पालक गोश्त बन के तैयार हो गया है। बहुत ही डिलीशियस, सिंपल और इजी रेसिपी है ये। इसे फॉलो करके जब भी आप पालक गोश्त बनाएंगे तो वो 100% टेस्टी बनेगी, क्योंकि एक फुल प्रूफ ऑथेंटिक रेसिपी है पालक गोश्त बनाने की। इसे आप लोग रोटी, चावल या बघारा चावल के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। परफेक्ट बघारा चावल बनाने का रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, उसे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये रेसिपी टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें पालक है और पालक एक बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है, तो स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो आप लोग भी इस पालक गोश्त को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल झटपट खाना को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।